बंधवाड़ू वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोविंद सागर झील में बिलासपुर जिला कायकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन एवं गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स फ्रेंडली मीट 2021 का आयोजन बिलासपुर में किया गया। जिला स्तरीय वाटर स्पोर्ट फ्रेंडली मीट 2021 की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कमल गौतम एवं गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष तराज अख्तर ने की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एसडीएम सदर बिलासपुर सुभाष गौतम ने शिरकत की। हिमाचली परंपरा अनुसार आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि एसडीएम सदर बिलासपुर सुभाष गौतम को हिमाचली टोपी स्मृति चिन्ह एवं हिमाचली शॉल देकर सम्मानित किया। वाटर स्पोर्ट्स प्रशिक्षक जमुना ठाकुर एवं काइकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन महासचिव ईशान अख्तर ने बताया कि जिले के लगभग 40 खिलाड़ी वाटर स्पोर्ट्स की फ्रेंडली मीट में भाग लिए। इस मौके पर बच्चों को काइकिंग, कैनोइंग, राफ्टिंग, स्विमिंग इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एसडीएम सदर बिलासपुर सुभाष गौतम ने कहा कि युवा देश का भविष्य है, युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए और खिलाड़ियों को खेल के स्तर पर, प्रदेश स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम हासिल कर आगे बढ़ना चाहिए। उपायुक्त पंकज राय की अध्यक्षता में 14 साल के बाद गोविंद सागर झील में राष्ट्रीय स्तर की कायकिंग एंड कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिससे बिलासपुर पर्यटन की दृष्टि में विश्व मानचित्र पर उभर कर आएगा। इस मौके पर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनी, उपाध्यक्ष सीमा चंदेल, इम्तियाज खान, कोषाध्यक्ष निर्मला राजपूत, जिला कार्यकारिणी सदस्य अविनाश शर्मा, बिंदिया चंदेल मौजूद रहे। देखिए, बिलासपुर में 24 से 27 अक्टूबर काइकिंग और कैनोइंग की नेशनल लेवल चैंपियनशिप होने जा रही है, और इससे पूर्व जो है, ताकि हमारे खिलाड़ी इस चैंपियनशिप के लिए अच्छी तरह से तैयार हों, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स और गतिविधियां करवाई जा रही है हमारी काइकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के माध्यम से। तो इसी संबंध में आज एक फ्रेंडली मीट जो एसोसिएशन की तरफ से रखी गई थी, एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन जो रखा गया था, उसके उपलक्ष्य में जो है, आज हमने देखा कि खिलाड़ी हमारे अच्छी मेहनत कर रहे हैं और चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं खिलाड़ियों को और एसोसिएशन को बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि जो नेशनल लेवल की चैंपियनशिप होने वाली है, उसमें हमारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करें। और ये जो नेशनल चैंपियनशिप का मौका मिला है बिलासपुर को करवाने का, तो इसके सफल आयोजन के लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं और अपनी प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग जो है हमारा एसोसिएशन को है, और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से हम लोग कर रहे हैं, प्रतिबद्ध। ऑनलाइन भारत के लिए विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।